नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो मैनिफेस्टेशन की ताकत और उसकी प्रैक्टिस के बारे में है। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन करके हम कैसे अपने जीवन में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि आपका बिलीव या इंटेंशन कुछ भी होने का कारण बन सकता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मैनिफेस्टेशन से कोई लाभ नहीं, लेकिन यह संभव है कि जब आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने की बात आती है तो मैनिफेस्टेशन इनडायरेक्ट तरीकों से आपकी मदद कर सकती है। दोस्तों, सामान्य शोध से पता चला है कि मैनिफेस्टेशन की मूल अवधारणा में से एक है पॉजिटिव सोच, जो कि आपकी समग्र मानसिक इच्छा के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। इससे डिप्रेशन की तीव्रता कम हो सकती है और तनावपूर्ण स्थिति के दौरान आपकी कोपिंग स्किल बेहतर हो सकती है। मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा सीक्रेट है कि आप परिणाम पर अपना ध्यान केंद्रित करें, जिसे आप सबसे अधिक चाहते हैं। इस तथ्य की परवाह किए बिना कि यह आपकी वर्तमान वास्तविकता नहीं हो सकती है। याद रखें दोस्तों, प्रकट होना सह निर्माण है। यह आपके लिए कुछ ऐसा ला सकता है जिसे आप अभी तक देख भी नहीं पाए हैं। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन की ताकत। कहा जाता है कि अगर आप किसी भी काम की शुरुआत पॉजिटिव विचारधारा के साथ करते हैं तो उस काम में सफलता मिलने की संभावना 60% तक ज्यादा हो जाती है। इतना ही नहीं, व्यवहारिक तौर पर यह भी देखा गया है कि जो व्यक्ति पॉजिटिविटी और मैनिफेस्टेशन की ताकत पर भरोसा रखता है उसके जीवन में परिवर्तन आना भी तय हो जाता है। दोस्तों, आजकल आप बहुत जगह मैनिफेस्टेशन टर्म का प्रयोग होते देख रहे होंगे। मुझे लगता है बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स भी इस शब्द को गुनाकर ही लाइमलाइट में आ रहे हैं। लेकिन असल में मैनिफेस्टेशन होता क्या है और यह कैसे काम करता है, इस बात पर कई बार चर्चा होती रही है। दोस्तों, जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए या किसी भी चीज को वाकई हासिल करने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ साथ आपके भीतर अनुशासन का होना भी अत्यंत आवश्यक है। लेकिन अगर हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो यह इच्छाओं को, सपनों को, अपने उद्देश्यों को वास्तविकता में ढालने का एक प्रोसेस है। व्यक्ति जिस इच्छा को पूरा करने के लिए पूरी तरह तत्पर होता है और हर कोशिश करता है कि वह उसे पूरा कर ले, तो वह अपनी इस पॉजिटिव एनर्जी को यूनिवर्स तक पहुंचाता है और उसकी प्रबल इच्छा संकल्प शक्ति के साथ यूनिवर्स की ताकत भी जुड़ जाती है और फिर व्यक्ति मैनिफेस्टेशन को हकीकत बना देता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आप जैसे होते हैं वैसी ही चीजों को आकर्षित करते हैं। इसलिए अगर आप पॉजिटिव चीजों को हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने भीतर भी उसी पॉजिटिविटी को लाना पड़ेगा। जब ये दोनों ऊर्जाएं एक दूसरे से जुड़ती हैं तो उस इच्छा को पूरी करने से कोई भी रोक नहीं सकता। दोस्तों, यूनिवर्स की ताकत। वह लाइन तो आपने सुनी ही होगी कि जब किसी चीज को शिद्दत के साथ हासिल करने की कोशिश करते हैं तो पूरी कायनात उसे आप तक पहुंचाने के लिए जुट जाती है। दोस्तों, यही है मैनिफेस्टेशन और इसकी ताकत को अब दुनिया भी मान रही है। आप किन तरीकों से इस मैनिफेस्टेशन को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं और किस तरह यूनिवर्स को अपनी बात मनवाने के लिए विवश कर सकते हैं, आइए जानते हैं। आप अपने कल को किस तरह देखना चाहते हैं उसकी कल्पना करें। रात को सोने से पहले अपने मस्तिष्क में वह दृश्य निर्धारित करें जो आप कल होते देखना चाहते हैं। आप अगली सुबह कैसी देखना चाहते हैं? किस तरह खुद को सफल, खुशहाल और धनी होते देखना चाहते हैं? उसकी पूरी तस्वीर अपने दिमाग में बना लें। जब आप सोने से ठीक पहले ऐसा करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड
उसे मूर्त रूप देने की कोशिश में लग जाता है। इतना ही नहीं, जब आप पॉजिटिव सोच के साथ सोते हैं तो यह भी निश्चित है कि सुबह उठते भी उसी मानसिकता के साथ हैं। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अनलॉक करने के लिए ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करें। जब आपके भीतर कृतज्ञता का भाव होता है तो जीवन अपने आप खुशनुमा अनुभव होने लगता है। यदि आप नेगेटिविटी या चिंतित विचारों के साथ रहते हैं तो उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके लिए आपके जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखती है। लेकिन एक शर्त यह भी है कि अपना ध्यान उन बातों पर केंद्रित ना करें जो वर्कआउट नहीं कर रही है, क्या गलत है और क्या काम नहीं कर रहा है, इसे भूल जाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपको अपने भीतर कमी का एहसास होने लगेगा। जब आप अपने भीतर कृतज्ञता को महसूस करते हैं, कृतज्ञता की प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको लगेगा कि आपके लिए सब कुछ संभव है। अगर पॉजिटिव परिवर्तन चाहते हैं तो अपने नकारात्मकता से पूरी तरह दूर रहें। जिन चीजों को आप अपने दिमाग में भरते हैं वे आपके जीवन के हर हिस्से को प्रभावित करती है। यदि आप लगातार नेगेटिव एनर्जी को अपने भीतर प्रवेश करवाने का अवसर देते रहेंगे तो आसपास की नकारात्मक पर ध्यान देंगे तो एक समय के बाद वह आपके पूरे व्यक्तित्व पर हावी हो जाएगी। अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो सकारात्मक कंटेंट पर ध्यान दें। कभी कभी हानिकारक सामग्री से बचने के लिए आपको दैनिक समाचारों से भी दूर रहना पड़ सकता है। अपने फोन से समाचार एप्स हटा दें और उन वेबसाइटों पर अपना समय सीमित करें जो आपको डेली की अपडेट देती है। भय आधारित सोच आपके भीतर की नेगेटिविटी को बढ़ा सकती है, इससे जितना बचे उतना अच्छा है। दोस्तों, विजन बोर्ड के साथ भी आप पॉजिटिविटी की शुरुआत कर सकते हैं। यह हर बार आपको याद करवाता है कि जीवन में आप क्या चाहते हैं, और वो भी पॉजिटिव दृष्टिकोण के साथ। यह आपको यह कल्पना करने में मदद करता है कि आपके सपने कैसे दिखते हैं, जिससे आप उन्हें यथार्थवादी लक्ष्यों में बदल सकते हैं। यह आपको अपने लक्ष्यों के साथ भावनाएं भी जोड़ने में मदद करते हैं, जिससे आपको अपनी ऊर्जा को निर्देशित करने के लिए कुछ मिलता है। दोस्तों, विजन बोर्ड का आइडिया मजेदार है और यह आपको यह सोचने में मदद करेगा कि वास्तव में आप जीवन से चाहते क्या हैं। साथ ही यह आपको नेगेटिव विचारों को दूर करने का ऑप्शन भी उपलब्ध कराएगा, क्योंकि आपकी नज़र हमेशा रिवॉर्ड पर होगी। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैनिफेस्टेशन कैसे जादू की तरह काम करे और आप कैसे अपने सपने को सच कर सकते हैं। सीक्रेट फॉर्मूला यह है कि आप तय करें कि आप क्या चाहते हैं और अपना लक्ष्य या सपना 55 टाइम्स लिखें, और आप लगातार 5 दिनों तक ऐसा करें। फिर मैनिफेस्टेशन का जादू देखें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके सपने सच हुए कि नहीं, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी अपने सपनों को सच कर सकें। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है इस प्रोसेस को करने के लिए। तो आगे बढ़े और अपने सपनों को साकार करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।